हिसाब से एक तो अपने चल रही इंग्लिश को स्पीकिंग के हिसाब से मस्ती से बोलना कोशिश करनी, टूटी फूटी जैसे नहीं मुस्ती है ना। आज फिजिक्स की हुई की नहीं? हाँ फिजिक्स की हुई। इसमें क्या पढ़ा था? तो जिसमें मोशन वाला, जिसमें कि मोशन का होता है, मोशन में ये आता है क्रिएटिव मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था, लिटरेरी मोशन, लिटरेरी मोशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक सोनू नाम का छोटा बच्चा है जो बिहार का रहने वाला है, काफी दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। उन्होंने बिहार के सीएम साहब या जितने भी रेस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन ने सबसे गुहार लगाई कि मैं अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूं, आने वाले समय में देश के लिए IPS या IAS ऑफिसर बनके देश की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन वो गरीब फैमिली का बच्चा है और उसके पास पढ़ाई के सारे संसाधन नहीं, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा और सोशल मीडिया पे उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इतनी कम उम्र में दोस्तों हमें पता भी नहीं रहता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, जबकि उसने इतनी छोटी उम्र में IAS बनने का सपना देखा। सैल्यूट है उसके लिए। अगर आने वाले युवा और इतने छोटे बच्चे अगर अभी से इतने अपडेट हो जाएं तो आने वाले समय में हमारा देश सातवें आसमान पर होगा। लेकिन दोस्तों संसाधनों की वजह से वो उदास बैठा और इन सब बातों को जो एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान है उसके निर्देशक श्री ब्रजेश महेश्वरी सर ने देखा तो महसूस किया कि इस लड़के में कहीं ना कहीं पढ़ने की आग है, पढ़ने का जुनून है। अगर इसे उपयुक्त माध्यम उपलब्ध कराया जाए तो एक दिन अच्छा ऑफिसर बन सकता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ब्रजेश सर ने उसको गोद ले लिया है और आने वाली जो भी पढ़ाई होगी IAS या IPS ऑफिसर बनने तक की उसका सारा जिम्मा एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट उठाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ाई कराते हैं लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मैं खुद एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा हूं और मैं एलिन से इतना ज्यादा प्रभावित हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी आप देख सकते हो, मैंने अनिल एलिन रखा हुआ है। जहां भी जाता हूं अनिल एलिन आ गया। आप सोच सकते हो कि किसी चीज को अपने नाम से जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं MBBS स्टूडेंट हूं, काफी स्टूडेंट हैं ऐसे भी मिलते हैं मुझे जो एलिन में पढ़े हुए हैं, कईयों का सिलेक्शन हुआ है कईयों का नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी कमी रही हो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एलिन को दोष नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ दोष दिया है अपना और अपनी लापरवाही को। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा दोस्तों पुलवामा हमले में राजस्थान के कुछ जवान शहीद हुए थे और उनके जो छोटे बच्चे थे उनको भी एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट ने गोद ले लिया है और आने वाले समय में जो भी उनकी पढ़ाई का खर्चा होगा वो एलिन ही उठाएगा। तो दोस्तों ऐसे अगर सामाजिक कार्य करता रहा तो और भी देखना सातवें आसमान पर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप कोटा में देखो जाके कितने स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जयपुर में जाके देखो कितने लाखों इन्होंने पेड़ लगाए हैं। ये जो पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, हर कोई पैसा कमाता है लेकिन उस पैसा का कुछ पार्ट अगर आप देश के लिए समाज के लिए समर्पित करते हो तो इससे आपकी बहुत अच्छी छवि बनती है। और मेरा दोस्तों एक बार एलिन के लिए दिल से प्यार है और दिल से सैल्यूट है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।